नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे जानकारियों के बारे में बात करेंगे कि अगर आप लोगों की आँख की प्रॉब्लम है, जैसे कि जो आँख से धुंधला दिखाई देती हो, अगर आपको चश्मा लग गया है तो चश्मा कम से कम एक महीना के अंदर उतर जाएगा, एक ऐसा नुस्खा है। दोस्तों सुबह के समय में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पानी एक गिलास लेना है, उसको सुसुम कर लेना है। सुसुम करने के बाद में आपको उसमें हाथ डालना है, अगर हाथ सहने लगे तो आपको उसमें आधा टुकड़ा नींबू जो है, पीली रंग वाली जो है होती है, बाजार में बिकती है, 2-3 रुपए में मिलेगा, आधा टुकड़ा नींबू निचोड़ लेना है उसमें बगैर बिया का, और सुसुम जो है उसको पी लेना है। पीने के बाद में आपको 1-2 घंटा खाना नहीं खाना है। अगर आपको चश्मा लगा होगा तो आपको कुछ ही दिनों में चश्मा उतर जाएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि अगर आप लोगों की शारीरिक कमजोरी होगी, शरीर में थकान होगा, समझिए कि गर्मी जैसा लगता होगा, वो बिल्कुल मिट जाएगी। शरीर पे चेहरे पे पिंपल दाग धब्बे होगा वो भी मिट जाएगा। मर्दाना ताकत जो है वो वापस तुरंत आएगी, लेकिन आपको पहले दिन से ही फर्क पड़ जाएगा। अगर आप नींबू निचोड़ करके पीते हैं, समझिए कि सुसुम पानी होना चाहिए हाथ सहने लायक, उसके बाद में 1 गिलास लेना है, छोटा सा गिलास में 100 से 150 ग्राम पानी होना चाहिए। उसमें आपको नींबू लेना है, नींबू उसमें गाड़ देना है, बगैर बिया का बिया निकाल करके फेंक देना है। उस पानी को आप अगर सुबह के समय पीते हैं तो आपको कभी भी बुढ़ापे तक आपको चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिन लोगों को चश्मा लग गई है उनको भी उतर जाएगा। इसमें इतना गुण पाया जाता है। अगर बवासीर की बीमारी है तो वो भी मिट जाएगी, डांड पीठ का दर्द जो है वो भी मिट जाएगी, इसमें इतना गुण पाया जाता है। दोस्तों आप लोग ये नुस्खा जो है आप लोग एक बार जरूर अपनाइएगा, अपनाने के बाद में आपको पता चलेगा कि इसमें कितना गुण होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो माता दुर्गा जी की कृपा से आप लोग के घर में खुशियाँ हमेशा मिलती रहेगी, और आप लोग जहाँ भी रहें वहाँ बने रहें और खुशहाल हरदम हर वक्त रहें, क्योंकि माता दुर्गा जी की कृपा से आप लोग के कमीनी में हमेशा बरकत मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।